प्रदेश सरकार के 100 दिन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकार की जो सरकार ने निर्णय किए उन निर्णयों के बारे में सभी प्रभारी मंत्रियों को कहा गया है कि अपने जिलों में जाकर आप सबके माध्यम से जनता को बताना है कि हम लोगों ने 100 दिन में अपने प्रदेश की जो व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था है, उसे दुरुस्त करने का काम करने का प्रयास किया है। आपके माध्यम से जो हम लोगों ने 100 दिन में निर्णय किए शासन की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, आगे जो हम लोगों ने होमवर्क किया है, कार्य योजना बनाई है, उस योजना के आप लोगों के माध्यम से जनता को बताने के लिए हम लोग यहाँ आ जाएंगे। बीजेपी शासन में पुलिस पिट रही है, क्या कहेंगे? बिगड़ी हुई व्यवस्था मिली और उस बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग कृत संकल्प है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब आग तुलनात्मक अगर आंकड़े देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं गिरावट दिखाई देती है। जीएसटी को जिस प्रकार से योगी जी ने कहा था 15 दिन तक गड्ढा मुक्ति का प्लान था, कोई ऐसा नहीं देखा। गड्ढा मुक्त करने के अभियान में जो पीडब्ल्यूडी विभाग का काम है वो लगभग हमने पूर्ण कर लिया है, लेकिन एक एक हाथ के घंटे हो रहे हैं। लेकिन कुछ अन्य विभागों की सड़कें भी, जैसे मंडी समिति है, पंचायती राज की है, गन्ना विभाग की है, या और भी एक पूरी हो तो अब जैसे पंचायती राज का काम मेरे हो रहा है, 3800 किलोमीटर विभाग ने चिन्हित की थी कि जो गड्ढा मुक्त होनी है, 38 पूरे प्रदेश सरकार के संकल्प लेने के बाद थोड़ा सा नैनीताल हाई कोर्ट ने खनन पर प्रतिबंध लगा दिया, उसके कारण मिट्टी बालू मिलने में भी असुविधा हुई। पुरानी सरकार की नीतियों के कारण जो हमारी खनन नीति थी उस पर भी हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे, उसके कारण भी समस्याएं आई। हम लोग पारदर्शी खनन नीति के साथ सरकार